आज हम लोग मैथ में जो क्लास 12 का जो मैथ है उसमें हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये जाहिर है कि एप्लीकेशन मतलब हुआ कि इसका जो डेरिवेटिव जो डिफ्रेंशिएट हम लोग किए डी ओ डी एक्स वगैरह जो निकालते थे उसका कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ उपयोग है उसका। तो उपयोग जहाँ जहाँ होता है जैसे कि बहुत अलग बहुत जगह पे होता है तो उसको अलग अलग चैप्टर में हम लोग अलग अलग यूज़ को देखेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएट के यूज़ को अलग अलग जो चैप्टर से अभी हम लोग देखेंगे जैसे 6.1, 6.2, 6.3 तो हर चैप्टर में अलग अलग यूज़ को हम लोग देखेंगे। उसके बाद जाहिर है कि जैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज आता है एक मिसलेनियस एक्सरसाइज होगा और ऑफ कोर्स आज हम लोग जो डील करेंगे वो 6.1 जो एक्सरसाइज है उसके लिए पढ़ेंगे जिसमें कि एक जिसमें जो है इसको रेट मेजरर के रूप में डी आर डी एक्स एज रेट मेजरर 6.1 में हम लोग पढ़ेंगे। 6.1 में हम लोग का है डी वाई बाई डी एक्स एज रेट मेजरर, मतलब रेट के मापने के लिए एज रेट मेजरर। तो डी ओ बाई डी एक्स का उपयोग करना है हमको रेट मेजरर के रूप में। तो जैसे डी ओ बाई डी एक्स जो तुमने पढ़ा होगा अभी भी डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है इसको जो मतलब इसका जो इस ढंग से मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स मतलब एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष वाई के परिवर्तन की दर, एक्स के सापेक्ष वाई किस ढंग से परिवर्तित हो रहा है उसको ये बताता है। और हम लोग जैसे लिखते हैं अगर कोई ये जाहिर है कि वाई और एक्स दोनों मान लेते हैं वाई भी टी का फंक्शन है और एक्स भी टी का फंक्शन है तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स निकालने का तरीका होता है डी वाई डी एक्स निकालने के लिए जैसा हमने पढ़ा है जो कि पैरामीटर वाला में तो पहले हम लोग डी वाई बाई डी टी निकाल लेते हैं बाई डी एक्स बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई वाई के जो परिवर्तन की दर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम टी बाय समय के लिए और बाय क्या आ जाएगा तुमको रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई के बजाय नीचे क्या आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डी एक्स बाई डी टी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी, ये तुमको इसके रेस्पेक्ट में ये तुम्हारा होगा। तो ये डी ओ बाई डी एम डी टी बटे डी एक्स बाई डी टी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से क्या होता है चेन रूल के आधार पर भी हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि तुम्हारा जो है पहला एग्जाम्पल है तुमको एग्जाम्पल वन जैसे है तुमको दिया हुआ एग्जाम्पल वन नंबर उसमें दिया हुआ है तुमको जो एक सर्किल है सर्किल का जो एरिया है वह किस रेट से निकालना है उसमें रेट ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। ये तुमको क्वेश्चन करता है इसका जैसे एरिया का हम लोग क्या लेते हैं डी ए बाई डी आर, ये क्या हो गया ए के जैसे वाई के बढ़ने की रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं यहाँ एरिया के बदलने की मतलब चेंज होने की रेट मतलब परिवर्तन किस रेट से हो रहा है बटे डी आर वाई के मतलब एरिया जो क्षेत्रफल है तुमका एरिया के परिवर्तन की जो रेट होगा वो किसके रिस्पेक्ट में रेडियस के रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में ये निकालना है तुमको। तो ए जो है तुमका सर्किल का एरिया क्या होता है एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा तुम्हारा ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो डी ए बाई डी आर क्या हो जाएगा तुम्हारा डी ए बाई डी आर निकालेंगे तो दोनों साइड आर के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पाई आर स्क्वायर। तो डी ए बाई डी आर क्या हो जाएगा तुमको तो पाई तो बाहर आ गया और इंटू क्या होगा तुमको आर स्क्वायर का टू आर और यहाँ पर डी ए बाई डी आर का वैल्यू होगा तुमको जब आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर शायद तुम्हारा क्वेश्चन में है 5 सेंटीमीटर ना तो ये दैट्स इक्वल्स टू 2π × 5 सेंटीमीटर दैट्स इक्वल्स टू 10π सेंटीमीटर तो यही तुम्हारा आंसर हो गया इसका एक के बढ़ने की रेट हो गई इसके रेस्पेक्ट में। दूसरा क्वेश्चन है तुमको किसी जो क्यूब का वॉल्यूम है वह तुमको धीरे धीरे बढ़ रहा है वो 9 cm³ per second के रेट से बढ़ रहा है पर सेकेंड या पर मिनट पर सेकेंड के रेट से वो इंक्रीज कर रहा है किसी क्यूब का वॉल्यूम 9
सीसी पर सेकंड के रेट से बढ़ रहा है। तो जब उसका की रेडी जो साइड है, जब उसका प्रत्येक जो साइड है वह अगर जब 10 सेंटीमीटर हो जाए बढ़ते हुए, तो जैसे बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, तो बढ़ के कभी साइड उसका कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया जब, तो उस समय उसका सरफेस एरिया जो है तुमको एरिया जो कि सब सारा सरफेस का टोटल सरफेस का जो से क्या कितना सरफेस होता है क्यूब में, 6 सरफेस होता है, और क्यूब का जो प्रत्येक सरफेस का एरिया क्या होता है तुमको सब स्क्वायर के जैसा होता है, सब बराबर होता है एक्स इंटू एक्स, मतलब कि अगर एक से साइड एक्स हो तो दूसरा साइड भी क्या होगा एक्स ही होगा, तो एरिया क्या हो जाता है तुमको एक्स इंटू एक्स, तो प्रत्येक साइड का एरिया एक्स स्क्वायर, तो 6 सरफेस है तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा क्यूब का 6 एक्स स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है उसका एक्स क्यूब। तो क्वेश्चन जहां तक है एग्जाम्पल टू में देखें, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल टू, एनसीईआरटी का जाहिर है हम लोग एक्सरसाइज बात करें 6.1 के लिए, उसका एग्जाम्पल दो नंबर देखें, तो उसमें है तुमको दिया हुआ वॉल्यूम के चेंज का रेट, देखो डीवी बाई डी टी होता है वॉल्यूम टाइम के रेस्पेक्ट में जैसे जैसे बढ़ रहा था, उसको वी फॉर वॉल्यूम और टी फॉर टाइम, दैट्स इक्वल टू 9 सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ऐसा। तो ये देखो यूनिट कैसे लिखते हैं, और जब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इसका एरिया के सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा है व्हेन एक्स इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, ये दिया हुआ है तुमको एक्स जब 10 सेंटीमीटर, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो जाहिर है कि एरिया और वॉल्यूम डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, लेकिन इसका रिलेशन साइड के थ्रू होगा, तो साइड के थ्रू तो इसका देखो सॉल्यूशन क्या होगा, अब सॉल्यूशन इसका करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। तो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है तुम्हारा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब बराबर साइड का होल क्यूब, वी इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। तो वॉल्यूम का डायरेक्ट एरिया से रिलेशन तो नहीं है, एरिया सरफेस एरिया से, लेकिन इसका साइड से रिलेशन जरूर है, और साइड दोनों में रिलेट करता है, इसमें भी 6 इंटू साइड स्क्वायर होगा, तो अगर हम इसके चेंज का रेट साइड का निकाल लें तो उससे हमको क्या हो जाएगा, हमको आगे मतलब कि उसका एरिया का चेंज का रेट हम लोग निकाल पाएंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वी बाई डी टी, और इसमें जाहिर है कि इधर भी टाइम के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट होगा, डी बाई डी टी एक्स क्यूब, ये चेन रूल लग जाएगा तुमको, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा डी एक्स क्यूब बाई डी, ठीक है इसको लिख देते हैं थोड़ा सा बाय डी चेन रूल में इन टू डी एक्स बाई डी टी, समझने के लिए तुम्हें आसान रहेगा। और इसका वैल्यू 9 सीसी पर सेकेंड है, इसका वैल्यू इसको डाल दो, और इसका वैल्यू क्या होगा 3 एक्स स्क्वायर इन टू डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा तुम्हें क्या चीज, डी एक्स बाई डी टी हो गया 9 सीसी पर सेकेंड बटे कितना हो जाएगा तुम्हारा ये ए बराबर हो गया तुमको वी बराबर एक्स क्यूब 3 एक्स स्क्वायर 3 इंटू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर 3 इंटू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यह सेंटीमीटर क्यूब था, सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड बच जाएगा, 9 बटे क्या हो गया 3 और 9 भी कट गया 3 बाय 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये यूनिट समझ में आ गया, यह सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब है और सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे था तो वो कट के हो गया 3/100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जहां तक कि एरिया के बढ़ने की रेट, एरिया के चेंज का रेट पूछ रहा है, चलो इसको मिटा ही देंगे, फिर से इसको लिख देते हैं बड़ा में, तो एरिया बराबर क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर 6 इंटू एक्स स्क्वायर, तो डी ए बाई डी टी तुम्हें क्वेश्चन में निकालना है, दैट्स इक्वल क्या होगा डी बाई डी टू 6 एक्स स्क्वायर, इसमें भी चेन रूल लगाओ तो दो बार में दो स्टेप में हो जाएगा तुम्हारा, चेन रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये डी ए बाई डी टी मेरा क्वेश्चन है, तो देख ये चेन रूल लगाएंगे क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 6 एक्स स्क्वायर का पहले x के रिस्पेक्ट में 12 एक्स हो जाएगा और इंटू क्या होगा डी एक्स बाई डी टी, तो 12 एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है तुमको 10 सेंटीमीटर, 12 इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू इसका क्या हो गया तुमको 3/100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा तुम्हारा अब 6 इंटू 2 दैट इज 12 और इंटू 3 दैट इज 36 बाय 10, तो आंसर हो गया सर 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही है
3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये तुम्हारा अगर समझ में आ गया होगा क्या किए, पहले वॉल्यूम दिया हुआ था इस रेट से, उसका वॉल्यूम रेट से बढ़ रहा है, उसका सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ता होगा जब एक्स का वैल्यू बढ़ते बढ़ते 10 सेंटीमीटर हो गया, ये क्वेश्चन था। तो वॉल्यूम और एरिया में डायरेक्ट तो रिलेशन नहीं था, लेकिन वॉल्यूम में भी साइड आता है और इसमें भी साइड आता है, तो वॉल्यूम से साइड के बढ़ने के रेट हमने पता कर लिया, वॉल्यूम के बढ़ने के रेट से, और उसको फिर यहाँ यूज करके उससे एरिया के बढ़ने का रेट, चेंज का रेट पता चल गया। तो ये तुम्हारा वो एग्जाम्पल नंबर दो हो गया तुम्हारा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है तुमको कि एक तुमको वेव है, जैसे कि जब कोई पत्थर वगैरह फेंक देते हैं हम लोग पानी में, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, तुम देखता होगा कि वेव जो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, तो उसका जो वेव का जो है, वेव किस रूप में होता है, एक सर्कुलर टाइप से रहता है, सर्किल की तरह से आगे बढ़ते जाता है। तो सर्किल में जब बढ़ता है, तो अगर वेव जिस रेट से बढ़ रहा है तो उसका क्या बढ़ते जाता है, उसका रेडियस बढ़ते जाता है, उस सर्किल का रेडियस क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो सर्किल का जो रेडियस बढ़ने का रेट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट में दिया हुआ है, पर मिनट में। तो उसका निकालना है कि उसका जो एरिया है, एरिया किस रेट से बढ़ रहा है, जब रेडियस का वैल्यू कितना दे दिया गया है, किस रेडियस पर, देखो बुक में एग्जाम्पल 3 एनसीईआरटी का देखते हैं, 6.1 चैप्टर के लिए, 6 नंबर चैप्टर के लिए थर्ड एग्जाम्पल देखिए। तो इसमें है कि इसका जो रेडियस बढ़ रहा है डी, जो कि वेव जो बढ़ रहा होगा, तो ये कितना सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4 सेंटीमीटर पर मिनट पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है, चलिए 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है, और जब रेडियस का वैल्यू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो उसका जो एरिया के बढ़ने की रेट, एरिया किस रेट से बढ़ेगा, एरिया मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में किस रेट से बढ़ेगा, तो डी ए बाई डी टी बराबर व्हाट, पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लें, ये सिंबल में से तुम लैंग्वेज में तुम्हारी किताब में रहता है, ये मैंने क्वेश्चन ही लिख दिया, ये क्या लिखा हुआ, इट इज क्वेश्चन। अब इसको जैसे क्वेश्चन का मतलब सॉल्यूशन में, अब इसको सॉल्यूशन में दे देंगे तो इसमें क्या करेंगे, अब इतना वैल्यू दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है हमको, इसको पहले चार वेव जो है, जैसे देखो ये वेव ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है, वेव इस ढंग से बढ़ते जा रहा है, क्या बढ़ रहा है इसका, इसका धीरे धीरे रेडियस ही क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये इसका रेडियस ही क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे कि वेव इस रेट से बढ़ रहा है, तो गौर करने के बाद क्या बढ़ रहा है इसका, धीरे धीरे रेडियस इसका क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है उस रेट से। तो एरिया के बढ़ने का रेट होता है, सर्किल का एरिया पता ही होगा, ए इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा ये। तो डी ए बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा तुमको, डी बाई डी टी दोनों साइड लगा दिए, पाई आर स्क्वायर, इसमें चेन रूल लगा दो, डी ए बाई डी टी पहले आर के रिस्पेक्ट में कर देंगे, फिर पाई इंटू आर स्क्वायर का क्या हो गया, आर के रिस्पेक्ट में 2R इंटू डी आर बाई डी टी। तो अब तो तुम्हारा वैल्यू दिया हुआ ही है, पाई इंटू 2 इंटू आर का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो हो गया तुमको 2 इंटू पाई, तो 20 2 इंटू पाई तो 20 हो गया, 20 गुना 4 80 80 पाई, 80 पाई, पाई का वैल्यू रख दिया क्या, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आंसर हो गया यूनिट तुम्हारा। तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया, कितना नंबर, एग्जांपल 3 हो गया। एग्जांपल 4 देखते हैं अब, उसमें दे दिया गया एक रेक्टेंगल है, रिक्तिका की लेंथ तुमको घट रहा है 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट के रेट से, और उसका जो ब्रेड्थ है वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट के रेट से बढ़ रहा है, और जिस समय की लेंथ हो जाए तुमको 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ उसका 6 सेंटीमीटर हो, तो उसका जो पेरीमीटर किस रेट से बढ़ रहा है या घट रहा है, और उसका चेंज का और एरिया का चेंज का रेट बताएं। ये तुम्हारा है एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारा, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4। चलो ये तुम्हारा है, पहले क्या है तुमको कि एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ को मान लेते हैं एक्स और वाई, मान लेते हैं सिंबल दे देते हैं, इसको एक्स मान लो और ये वाई, इसका ब्रेड्थ, एक्स वाई वेरिएबल है चूंकि बढ़ घट रहा है, इसलिए एक्स वाई मानना ज़्यादा ठीक है ए बी के रिस्पेक्ट में, और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बढ़ घट रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसे करके फैल रहा है, और डी एक्स बाई डी टी ये तुमको घट रहा है कितना रेट से, -3, मतलब जब चेंज घटे तो माइनस लगाइए, 3 सेंटीमीटर पर मिनट,
और इसका जो वाई का बढ़ने का रेट है, तो जब चेंज प्लस में हो रहा है तो टू प्लस लिखिए या ना भी लिखिए, सेंटीमीटर पर मीटर, लेकिन डिक्रीज में माइनस रखना जरूरी है। फाइंड डी पी बाय पेरीमीटर बाय डी टी फर्स्ट पार्ट में, एंड सेकेंड पार्ट में चाहिए डी ए बाई डी टी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड वाई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, तुम्हारा इतना गिवन है। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया इस ढंग से कि एक्स के बढ़ घटने का रेट, तो घटना रहा है तो माइनस में दिए, वाई का ब्रेड तो तुमको क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो उसको प्लस में दे दिए, और ये पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है तुमको क्या चाहिए, क्वेश्चन बनाते हैं। पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करें, हमको जो चाहिए डी पी वाई डी टी चाहिए, तो ये क्या होगा तुमको इसका पूरा करेंगे डिफ्रेंशिएट तो अलग अलग सब, चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इतने डिफरेंस दो तो बाहर हो गया, तो दैट्स इक्वल्स 2 हो गया, और इधर क्या हो जाएगा तुमको ये अलग अलग लग जाएगा डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। अब दोनों का वैल्यू पुट करो, यह -3 सेंटीमीटर पर मिनट प्लस 2 सेंटीमीटर पर मिनट, तो -1 हो गया उधर अंदर है, 2 से गुना हो गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट, पेरीमीटर के बढ़ने का रेट मतलब माइनस में है तो घट रहा है, धीरे धीरे पेरीमीटर घटेगा। अब आते हैं एरिया वाला, तो एरिया में क्या हो जाएगा, एरिया में तो एक्स इंटू वाई होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब इसको डी ए बाई डी टी करेंगे, तो टाइम के रिस्पेक्ट में करें तो यू इंटू वी धर लगेगा, एक्स बाहर हो गया इंटू डी ए बाई डी टी प्लस एक बार वाई बाहर हो गया और डी एक्स बाई डी टी। चलिए तो एक्स का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर और वाई के का रेट है 2 सेंटीमीटर पर मिनट प्लस यह है 6 सेंटीमीटर और यह है -3 सेंटीमीटर पर मिनट, तो यह कितना होगा 10 इंटू 2 दैट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट -18 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट दैट्स इक्वल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। क्या यही उत्तर है ना, ये हो गया तुम्हारा, अब तुम्हारा दिया हुआ है, ये तुम्हारा हो गया दोनों, ये दोनों पार्ट खत्म हो गया तुम्हारा। अब है तुम्हारा तीसरा, जो कि एक दो क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको, जैसे मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, जैसे कोई चीज़ का कॉस्ट जैसे बढ़ता है धीरे धीरे, तो कोई एक जैसे कि बहुत सा अगर हम लोग प्रोडक्शन जैसे करते हैं, बहुत सा कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं कोई भी फैक्ट्री में, तो जैसे जैसे कुछ लागत होता है, जैसे कि लेबर का कॉस्ट है, आप अगर आज 15 का भी सामान बनाए तो भी उतने लेबर कॉस्ट लगेगा, अगर 20 भी वो बना दिया तो भी लेबर कॉस्ट उस रेट से नहीं बढ़ेगा, लेकिन कुछ कॉस्ट होता है जो कि सामान जैसे कि 15 का बनाए तो उसमें जैसे जो उसमें लगने वाला जो सामान है वो तो बढ़ेगा, तो उस ढंग से कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन कुछ कॉस्ट है जो कॉन्स्टेंट है, आपका बिजली बिल है या उसका जो उस सामान का जो कोई रेंट है, कुछ मशीन अगर लाए हैं तो उस रेट से नहीं बढ़ेगा। तो कहने का अर्थ है कि रेट जैसे जैसे आप सामान का प्रोडक्शन करते हैं तो वह सारा कॉस्ट ऐसा नहीं कि उसके एक्स के बढ़ने से उसी रेट से बढ़ता है, इसलिए वो जो कि अगर उस रेट से कुछ जैसे लेबर का कॉस्ट है, जैसे कुछ कुछ सामान है जो कि रेंट पे लाए हैं या कुछ बिजली बिल है, ये सब जो मकान का भाड़ा है, तो वो आपके ज़्यादा प्रोडक्शन कीजिए कम है वो तो लगेगा ही लगेगा, तो इस रेट से वो चेंज नहीं करता, तो उसका जैसे कॉस्ट है तुम्हारा दिया हुआ, तुम्हारा जो एग्जाम्पल 5 नंबर है तुम्हारा, सी एक्स कितना दिया हुआ है कॉस्ट, सी एक्स का वैल्यू कॉस्ट एक्स के रूप में दिया हुआ है 0.005 एक्स क्यूब 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स प्लस 5000। ये देखो ये 5000 होगा, ये कांस्टेंट चार्ज होगा, ये रेट जैसे कि एक्स अमाउंट जैसे एक्स यूनिट प्रोडक्शन कीजिएगा आपका, तो ये से तो बढ़ रहा है लेकिन ये नहीं बढ़ रहा, तो ये सब फिक्स चार्ज है, लेबर कॉस्ट में भाड़ा जो भी होगा ये सब कांस्टेंट होगा आपका, मकान का जो भाड़ा होगा वो सब सेम होगा, मजदूर का जो रेट देते होंगे वो सब एक ही रहेगा, और धीरे धीरे इसका जो मार्जिनल कॉस्ट जो होता है, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इसको हम लोग कहते हैं एमसी, और ये होता है तुमको मार्जिनल कॉस्ट एमसी बराबर डीसी बाय डीएक्स, डीसी बाय डीएक्स इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो इसका क्या आ जाएगा 0.005 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.02 इंटू 2x 0.005 002 इंटू 2x
और प्लस प्लस ने 30 एक्स रे, प्लस 30 एक्स प्लस 30 हो गया, प्लस 30 एट एक्स बराबर कितना पर निकाला, 3 पर, एट एक्स बराबर 3 और एट एक्स बराबर 3 इसमें 3 वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू रख दीजिए 3, तो डी सी बाई डी एक्स जो हो जाएगा क्या हो जाएगा तुमको 3 इंटू 0.005 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.002 इंटू 2 इंटू 3 और प्लस हो गया तुमको 30, इसमें तो एक्स है नहीं 30, तो इसका जो कि आंसर आ जाएगा कितना कैलकुलेट करके, कितना 0.02। तो चलिए तो इतना अमाउंट इसका आ गया, खर्चा आ गया, इतना मार्जिनल कॉस्ट हो गया। इसी तरह का एक लास्ट एग्जांपल एनसीईआरटी 5 में भी, तुम्हारा एग्जांपल 5-6 में भी इसी टाइप का सेम टाइप का है, उसमें कॉस्ट दिया हुआ है और दिया हुआ है कितना दिया हुआ रेट रिवेन्यू, टोटल जो सेल करके कोई सामान को बेचने से जो उसको रिवेन्यू मिला है वो कितना है 3x² प्लस 30x 6x+5। तो इसका निकालना है मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, मार्जिनल तो डी आर बाई डी एक्स हो जाएगा, तो 3x² है तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा प्लस ये हो गया 36x का 36 हो गया और x इक्वल टू कितना पर 2 पर एट x इक्वल टू 5 एक्स इक्वल टू 5 क्या हो गया तो तुम्हारा हो गया 6 इंटू 5, तो डी आर बाई डी एक्स कितना हो गया तुमको 6 इंटू 5 प्लस 36 कितना 66 है रे, हाँ तो 66 रुपीज़ क्या हो गया तुमको पर आइटम हो गया, पर ये हुआ तुमको मार्जिनल कॉस्ट है, एक का ये कॉस्ट हो गया। तो ये तुम्हारा जितना भी था एग्जांपल, अब तुमको जो है एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है, तुमको एनसीईआरटी मैथ का क्लास 12 का एक्सरसाइज तुम्हें बना लेना है, एक्सरसाइज 6.1 तुम सॉल्व करोगे, और अगर तुमको क्वेश्चन बनाने में जहाँ भी दिक्कत हो किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ या तुमको 6.1 हो पिछला का मिसलेनियस कोई भी दिक्कत हो रहा होगा तुम हमसे क्वेश्चन बनाने के लिए राष्ट्रीय ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो, जो भी दिक्कत होगा किसी भी चीज़ में तुम संपर्क करके हमसे मदद ले सकते हो। इस तरह इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।